आगामी त्योहारों को देखते हुए नगर निगम द्वारा यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए सड़क से फूटकर दुकानों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। फूटकर व्यापारियों द्वारा निगम की इस कार्रवाई का विरोध किया जा रहा। उक्त वीडियो इंदौर के राजवाड़ा क्षेत्र का है, जहां निगम की टीम फूटकर दुकानों को हटाने के लिए पहुंची थी। इस दौरान फूटकर दुकानें चला रही महिलाओं ने निगम की टीम का विरोध किया और जमकर हंगामा मचाया। महिलाओं का कहना है कि हम ब्याज से पैसा लेकर दुकानें लगाते हैं ताकि हमारे परिवार का पालन पोषण हो सके, लेकिन निगम द्वारा हमारी दुकानें हटाई जा रही है। ऐसे में हमारा जो नुकसान हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या मामला है? 2 लाख रुपए ब्याज से लिए हमने दुकान लगाने के लिए, और सारे नगर निगम वाले सामान फेंक रहे उठा उठा के। देखो सामने अभी दुकान नहीं लग रही है, फिर भी ब्याज देखो से पैसे लिए 10% से पैसे। आपका नाम? क्या करेंगे हम, जमने नाम है। 1 लाख रुपए मेरे ब्याज से उठा के फेंक रहे। क्यों फेंक रहे? कहाँ से आए आप? तो फुटपाथ पे दुकान लगाना तो मना है, यहाँ के आदेश चल रहे। किन्नों ने दिए? ठीक, कहाँ से आई हो आप? कहाँ से? गुजरात से आए। क्या कर रहे हैं नगर निगम वाले आपके साथ? ठीक है, आपका नाम? आपका नाम? आपका नाम? ये बाहर की जो लेडीज हैं आती है वो पूरे शहर को, पूरा जो राजवाड़ा को गंदा कर देती है, नहीं पे वो गंदगी भी करती है और बेबी की रोड पे बैठी रहती है। तो उनको हटाने के दौरान थोड़ा सा वो विवाद जैसी चीज़ हो गई थी, लेकिन उनको थोड़ा सब्जा व्यास से हटा दिया गया हमसे, और कोई विवाद नहीं है। आप पूरा ट्रैफिक व्यवस्थित चल रहा है और पूरा फुटपाथ खाली करा दिया है।